यह लड़का अपने माँ के लिए अपने पापा से खाना छुपा कर ले जाता है, क्योंकि इसकी माँ एक मॉन्स्टर बन चुकी थी और उसे एक बेसमेंट में बंद कर रखा था। लड़का बोतल का ढक्कन खोलता है और अपनी माँ को पानी पीने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ उसे नोच लेती है। अब लड़का डर जाता है और जल्दी से भाग जाता है। जैक को जो कुएं से पानी मिला था, जब उसे टेस्ट करता है तो उसमें पॉइजन होता है। अब जल्दी से फार्म का ओनर को फोन लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका था। वह अपने बेटे मार्टिन के ऊपर अटैक कर देता है। मार्टिन स्कूल में कराटा सिखाता है, इसलिए सिचुएशन से इजीली निकल जाता है। अब लड़का देखता है कि उसकी बहन खतरे में है, तो वह बेसबॉल उठाता है और डेविड के ऊपर अटैक करके अपनी बहन को बचा लेता है। जब डॉक्टर जैक फार्म के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि पूरा घर हिल रहा है और जमीन के नीचे से कुछ निकल रहा है। वह जल्दी से घर में जाता है और मार्टिन और उसके बहन को ढूंढता है। अब छोटी सी बच्ची को बाहर लाता है और कार में बिठा देता है। पीछे मुड़कर देखता है तो मार्टिन नहीं होता। मार्टिन अपने माँ को लाने बेसमेंट में चला गया था, लेकिन वहाँ उसकी माँ नहीं होती। फर्श पर खून ही खून होता है। अब डॉक्टर जैक जल्दी से जाता है और मार्टिन को भी कार में लगा